क्वेश्चन नंबर 8, हियर इट इज द थर्ड पार्ट एंड टुडे इज 28 नवंबर एंड बच्चे इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड एंड कलरफुल वर्ड ऑलवेज राइट द हेडिंग। जानते हो बच्चे इससे फायदा क्या है? कुछ बच्चे डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। मान लो कोई बच्चा आपका इस पर्टिकुलर डेट को एब्सेंट है और वो रिवाइज करना चाहता है आगे के पीछे से क्या करवाया है, तो इमिडिएटली ही विल कम टू दिस पॉइंट। और एक और भी इसका फायदा है कि मान लो आज का लेक्चर आपको थोड़ा टिपिकल लगा कि इसमें मुश्किल पॉइंट थे, तो यू विल जस्ट मेंशन एट द कॉर्नर अटेंडिंग द लेक्चर दैट मस्ट टू रिवाइज। तो ड्यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यू विल सी द हेडिंग मस्ट टू रिवाइज, तो आप उन पेजेस को जरूर रिवाइज करोगे। यह फायदा होता है। और सॉल्यूशन का कोई हिंट नोट करना हो तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे आप ब्लैक पेन से नोट करो और दूसरा ब्लू से, ब्लैक से, ब्लू से अल्टरनेटिवली करना चाहिए। ओके बेटे, द थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए डिफेक्टिव आई। सो इसको पढ़ने के लिए हमें एक बार, सॉरी, दिस इज द 8th क्वेश्चन थर्ड पार्ट, मैंने 7th का पढ़ दिया। 8th क्वेश्चन थर्ड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पावर ऑफ -2 डायोप्टर, फाइंड दी वच वॉट बेटे, फाइंड द डिस्टेंस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। करेक्ट, ध्यान से सुनोगे, उसने पावर कितना बोला बच्चे, -2 डी डायोप्टर। एग्रेट, अगर इतना पावर है तो एवरीबॉडी नोज वी कैन इजिली कम टू द फोकल लेंथ, बिकॉज फोकल लेंथ एंड पावर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स इफ यू विल पुट -2 हियर, सो फोकल लेंथ बिकम्स 0.5 विद नेगेटिव साइन। एज द साइन इज नेगेटिव ऑफ द पावर, यू ऑल नो दैट लेंस विल बी ऑफ दिस शेप बाई कॉनकेव। ओके, टू कंक्लूजन्स अप टू दिस लैंग्वेज। देन ही सेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द लेंथ, सो यू इज गिवन अस एज 10 सेंटीमीटर, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर्स, सो दिस बिकम्स 0.1 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस योर इमेज विल बी फॉर्म्ड, वी इज आस्क्ड फॉर। ओके बच्चे, दिस इज द डेटा एंड यू नो आफ्टर दिस इन द सोल्यूशन कैन एनीबॉडी टेल मी विच फार्मूला आई शुड यूज, एनीबॉडी इन द 10th A क्लास, कैन यू टेल मी बच्चे, 10th A, दिस डेटा इज गिवन 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 आस्क्ड, विच फार्मूला शुड आई यूज 10th A। मेरे को बताया गया है कि ये बच्चे जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे, वंशिका, हर्षप्रीत, खुशप्रीत, नहीं, ओके, 10th D सेक्शन, नवजोत, 1/b -1/u is equal to 1/f. Thank you. क्या इसका नाम आपको पता होना चाहिए? इसका नाम होता है गाशियन लेंस इक्वेशन। गाशियन लेंस इक्वेशन होता है बेटे इसका फार्मूला, बहुत से बच्चे इसको लेंस फार्मूला बोल देते हैं। सो आप लिखोगे एज पर गाशियन लेंस इक्वेशन, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/इमेज डिस्टेंस। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, लेंस वाले इक्वेशन में यू के आगे माइनस जरूर लगा, ठीक है?
ऐसा ही एक फॉर्मूला मिरर्स में यूज होता है, वहां पर यह माइनस नहीं लगता। गॉट इट? अब एक बात याद रखना, जब हम इसमें डाटा पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमें साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखना होता है। साइन कन्वेंशन का ख्याल रखते वक्त आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं? लाइक दिस इज योर बाइकॉनकेव लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लो बेटे लाइट उधर को जा रहा है, एज द एरो शोज लाइट इज गोइंग टू दैट साइड। ओके, सो जो भी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापना होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से मापना होगा। अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट साइन में कोई डिस्टेंस मापा तो वो नेगेटिव आएगा, और अपोजिट ऑप्टिकल सेंटर से मापा लाइट के अपोजिट, और ऑप्टिकल सेंटर से शुरू करते हुए लाइट की फेवर में कोई डिस्टेंस मापा तो उसको पॉजिटिव लेना है। यह साइन कन्वेंशन है। इंग्लिश में बोलूं तो तीन साइन कन्वेंशंस बता दी मैंने। एवरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एंड इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इन द फेवर ऑफ लाइट, देखो लाइट भी उधर जा रही है एरो भी उधर जा रहा है, दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, दो तीन असाइनमेंट होगी, तीन और आपको पता होनी चाहिए। कौन सी बच्चे? एनी वर्टिकल डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। सभी बच्चों को पता है कि जो लाइन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होती है इस तरह से, वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और उससे वर्टिकली अप अगर डिस्टेंस मापना है तो प्लस लेना है, वर्टिकली डाउन लगाना है इधर या इधर वेयर एवर तो उसको आपने माइनस लेना है। तो टीचर ने फिर से तीन साइन कन्वेंशंस बताई। कौन सी? एवरी वर्टिकल डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड व्हाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इफ इट इज वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन इट शुड बी नेगेटिव। और मैं अपने बच्चों को बता देना चाहता हूं, 6 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है साइन कन्वेंशंस पे, तो इसलिए मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको अलग से बताया साइन कन्वेंशंस। ठीक है, आपको प्रॉपरली 6 साइन कन्वेंशंस बतानी होंगी। ओके, और यही क्वेश्चन अगर मिरर पे आ जाए बच्चे, तो आपने सिर्फ एक फर्क डालना है, ऑप्टिकल सेंटर लिखने की बजाय आपने पोल लिखना होगा, POLE पोल मिरर के लिए, और बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख दी। ओके, तो ये साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए। और अब मैं जो बात बताने लगा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटे। जिस सिंबल को आपके पेपर में पूछा हो, वी पूछा हुआ है, उसका जो साइन कन्वेंशंस आपको पता भी हो, आस्कड वाले का साइन कन्वेंशन अगर आपको पता भी हो, इवन इफ इज नॉन, टीचर कह रहा है नेवर पुट, उसको आपने फार्मूले में पुट नहीं करना, क्योंकि ये नियम है जिस सिंबल को हमने निकालना हो पेपर में वो अपना आंसर भी लेके आएगा खुद कैलकुलेशंस के बाद, और अपना साइन भी खुद ही कैलकुलेट करके लेकर आएगा, खुद ही कैलकुलेशंस के बाद वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है खुद आ जाएगा। एक बात याद रहे, कहाँ नहीं लगाना है साइन कन्वेंशंस, जो चीज आस्कड है बच्चे, जो चीज आस्कड है पेपर में, लेकिन जो चीज गिवन है ओके, उनका साइन कन्वेंशन आपने जरूर लगाना है। सो इतनी नॉलेज को जब हम लगाने लगे हैं तो देखते हैं क्या बनता है। सो 1/f, ठीक है बेटे, आपको पता है ना बच्चे 1/f कितनी है फोकल लेंथ की वैल्यू, ये बड़ी, यस और नो? हाँ या ना, बोलो। यस सर। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, यू, यू लगाना हमने बेटे, यू के आगे नेगेटिव साइन, यू है कितना बेटे हमारा 0.01, और फार्मूले का नेगेटिव अलग से, साइन कन्वेंशन का अलग से, देख फार्मूले का नेगेटिव अलग से साइन कन्वेंशन। बच्चा कहता है सर आपने यू नेगेटिव क्यों ले लिया, ध्यान से देखो, जब भी मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो यहाँ रख, मान लो यही ऑब्जेक्ट रखा, तो मेरे को यू इधर को मापना पड़ना पड़ेगा ना बेटे, और लाइट उधर जा रही है, गौर से देखो अपोजिट हो गया ना, इसलिए माइनस लगेगा। ओके,
वन अपॉन वी को ऐसे लिख देना। अब इसकी आपने केयरफुली कैलकुलेशंस कर देनी है, तो केयरफुली कैलकुलेशंस करके ये कितना आ गया, 1/0.5 इज इक्वल टू 1/0.1 प्लस 1/V। गॉट इट? ये कितना हो गया बेटे, ये कितना हो गया, 5 को आप हाफ लिख सकते हो, ये हो गया 2। ये कितना हो गया बेटे, जितना भी हो गया आपका, राइट ओके, जितना भी होया आप V को कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट, राइट ठीक है बेटे, बोलो हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। कोई बच्चा बताएगा टीचर ने इसमें सबसे खास बात क्या बताई जो बच्चों को नहीं पता होती? लेट मी टेल यू, एक बार चलो मैं ही बता देता हूं, जिस सिंबल को पेपर में पूछा हुआ हो उसका साइन कन्वेंशन आपने नहीं पुट करना, नेवर पुट, वो कैलकुलेशंस के बाद अपना साइन खुद लेकर आएगा। गॉट इट? और एक बात, कुछ बच्चे ना ये फार्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं तो उनके भी मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा एज पर लेंस इक्वेशन, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्मूला ही नहीं पुट करते, डायरेक्ट डाटा पुट करने पे चले जाते हैं, उनको तो मार्क्स मिलते ही नहीं है एज पर CBSE इंस्ट्रक्शंस। मैंने 7.5 ईयर पेपर चेक करे हैं बेटे CBSE के, और इसलिए मेरे को उनकी इंस्ट्रक्शंस पता है। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रुपुल सफर्स फ्रॉम मायोपिया, हां जी सफर्स फ्रॉम मायोपिया, उसको कौन से ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखेंगे, दूर वाले या पास वाले? बोलो बच्चे, दूर वाले। दूर वाले, जब उसने मायोपिया लिख ही दिया तो दैट मीन्स फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, फार ऑब्जेक्ट्स सीन धुंधले दिखेंगे बच्चे, ठीक है। अब क्या हो गया, वेयर वुड द इमेज ऑफ द आई विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। आपको मैं एक बार बताया कि मायोपिया में हमारी आई स्फेरिकल नहीं रहती बल्कि इलोंगेटेड हो जाती है, तो अगर इधर आई लेंस है यहां से रे ऑफ लाइट आएगी बेटे, तो ये रेटिना के ऊपर बनने की बजाय रेटिना से पहले ही बन जाएगा इमेज, तो मतलब यहां पर फोकस बनने की कोशिश होगी, राइट। तो या तो हम रेटिना को आगे खिसका दें, ये तो मुमकिन है नहीं, है ना, ऐसे तो हम कर नहीं सकते आंख के रेटिना के बैक साइड पर जाके यहां कॉटन डाल दें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें फिर ये यहां पर रेटिना के ऊपर ब्लर्ड इमेज बनेगा, तो हमारा एग्जैक्ट इमेज यहाँ बन जाता है जहाँ टीचर ने एरो दिखाया, तो इसका आंसर होना चाहिए जो क्वेश्चन का जो हमारे को पूछा हुआ है ए पार्ट 9th में, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ आईज रेटिना, ओके पहले ही बन जाएगा बच्चे उससे। आपको पता है इसको ठीक कैसे करते हैं, एनी बॉडी रूप, हाँ जी पता है आपको कैसे करते हैं बेटे? हम करते हैं एक स्पेक्टिकल लेते हैं, ध्यान से सुनो, उसके स्पेक्टिकल्स के दोनों लेंसेज जो होते हैं, अगर दोनों आई साइड वीक है नेचुरली, तो उसके यहां पर जो लेंसेज होते हैं वो इस शेप के होते हैं कनकेव, ओके। और अब देखो यहां पर होता क्या, ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने यहां पर कनकेव लेंस लगा दिया स्पेक्टिकल्स का, आपको पता है कि स्पेक्टिकल्स में कनकेव लेंस बाहर को फैला देता है लाइट को, यहां से लाइट आई तो इस लाइट ने ब्लैक वाली लाइट को, ये रेड वाला कनकेव लेंस, ये बाहर को डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया तो लेंस आई लेंस के बिल्कुल किनारे पर चला गया, किनारे पर चला गया तो रे ऑफ लाइट ये गई 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 इसके पहले यहां पहुंची, ये गई 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 इसके पहले यहां, देखो रेटिना के ऊपर इमेज ही पीछे पहुंचा दिया, ओके। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थी, या तो रेटिना को आगे पीछे धकेल दो जहां पर इमेज बन रहा है, या इमेज को ही रेटिना के ऊपर ले जाओ, तो हमारे लिए आंख के अंदर उसकी स्ट्रक्चर में बिना छेड़खानी करे बिना ऑपरेशन करे एक ही ऑप्शन बचती थी कि बाई कनकेव लेंस लगा के वहां पर इमेज पहुंचा दो। फिर से देखो एक बार, बड़ा साइज का दिखाता हूं अपने बच्चों को, देखो ध्यान से,
ध्यान से देखो, अगर ये लेंस ना होता तो क्या था? ध्यान से सुनो, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती और आई लेंस से टकराती, और आई लेंस यहां पर उसको फोकस कर देता। बेटे ध्यान से देखो फिर से, तो आई लेंस यहां पर उसको फोकस कर देता, राइट है बच्चे, और रेटिना पीछे ही रह जाता, रेटिना पीछे रह जाता। लेकिन अब हमने रास्ते में क्या लगा दिया? ये लेंस लगा दिया। इस लेंस की नेचर क्या होती है? डाइवर्जिंग। तो यहां तक लाइट आई, इसने ये डाइवर्ज करके इधर फेंक दी। आगे कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, आंख का लेंस, उसको तो काम ही कन्वर्ज करना है। तो ये कन्वर्ज करेगा ऐसे, जब इसने ऐसे कन्वर्ज करा तो इमेज कहां पर पहुंच गया? रेटिना पर। रेटिना पर शार्प इमेज पहुंचेगा, तो यहां से ऑप्टिक नर्व फिर ब्रेन को मैसेज लेकर जाएगी बिल्कुल शार्प इमेज का। इस तरह से हम बाई कॉन्वेक्स लेंस लगा के मायोपिया को ठीक कर देते हैं, बाई कॉनकेव लेंस लगा, बाई कॉनकेव, ठीक है। और देखो इसका बी पार्ट, रूबल अंडरवेंट कैटरेक्ट सर्जरी एंड हर आई लेंस वाज रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल लेंस ऑफ फिक्स्ड फोकल लेंथ मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सिलिकॉन। स्टेट वन विजुअल डिसएडवांटेज दैट रूबल इज लाइकली टू एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू द पर्सन विद द नॉर्मल आई साइट। शाबाश बच्चे। टेंथ सी में कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन को ये है, इसका मतलब कि कोई इंसान है, उसका जो कैटारिक्ट है, जो मोतिया है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आंख के लेंस को निकाल के उसकी जगह सिलिकॉन मटेरियल का आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट करना पड़ा, सिलिकॉन मटेरियल का। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब आई लेंस को, आई लेंस एक लिविंग लेंस है और सिलिकॉन लेंस एक डेड लेंस है, तो तब उससे हमारे को क्या डिसएडवांटेज मिलेगा? एनीबॉडी, कोई भी बच्चा फ्रंट पे आके बताए कि सर ये कमी हो जाएगी, आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को यह बताया गया कि आपको यह पता है चैप्टर का। लेकिन मेरे को यकीन तभी आएगा जब कोई प्यारा सा बच्चा माइक पे आएगा और बोलेगा सर ये नुकसान है। शाबाश। So the ciliary muscles helps us to change the focal length of the eye lens, but with the silicone mold it would not be possible. बैठो, शाबाश। After बच्चा, इसको confidence था, लेकिन इसने साथ वाले बच्चे से थोड़ा बहुत discuss करके बिल्कुल सही जवाब दिया, और मैं इसको अब professional language दूंगा अपने बच्चों को। बेटे ये देखो, हमारे जो आई का लेंस था ना, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन बाई कॉन्वेक्स आई लेंस, आई शी हैज नॉट कंसल्टेड फ्रॉम एनी स्टूडेंट, शी इट इज हर ओन आंसर। वेरी नाइस। तब तो थोड़ा सा लेट आया था बच्चा, थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए मैंने शायद अंदाजा लगाया। आई वॉज रॉन्ग। सो फुल क्रेडिट टू द चाइल्ड, फुल क्रेडिट सर, आई फुली एग्री। तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर लेंस, शाबाश बच्चे को वर्डिंग बनाई हुई उसने बहुत अच्छी तरह से बताई। ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना बेटे, दोनों तरफ होते हैं सिलियरी मसल्स, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये सिलियरी मसल्स नीचे को दबाव डाल के लेंस को सेंटर से मोटा कर देते हैं, फ्लैटन कर देते हैं। देखो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला कम। लेकिन ये कब करते हैं? जब आंख ने पास वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, नियर, आंख के जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स, तब ये सिलियरी मसल्स इसको फ्लैटन करके मोटा कर देते हैं और इससे इसका पावर बढ़ जाता है, तो रेटिना के ऊपर शार्पली फोकस होता है। लेकिन यही सिलियरी मसल्स इस लेंस को साइड वाइज स्ट्रेच करके सेंटर से कंपैरेटिवली पतला कर देते हैं। कब? जब आंख ने नजदीक वाले ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दूर वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना हो। तो आंख की ये अबिलिटी सिलियरी मसल्स की स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग की वजह से जो आई, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ विजन।
अकोमोडेशन ऑब्वियस है, ठीक है, प्रॉपर्टी है आंख की, ये लिविंग सेल के साथ जो आंख का ओरिजिनल सेल है उसके साथ ही होती है। अब इस गुड़िया ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर जब आप इसके पास आर्टिफिशियल लेंस लगा दोगे ना इसको निकाल के, निकालते कब है, जब कैटारेक्ट, पहले व्हाइट कैटारेक्ट होता है मोतिया, फिर ब्लैक कैटारेक्ट होता है, फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं जी अब तो लेंस रिप्लेस ही करना पड़ेगा, सफाई नहीं हो सकती इसकी। तो ये फिक्स्ड फोकल लेंस लगाते हैं, फिक्स्ड फोकल लेंस वाला जो लेंस लगेगा कॉन्वेक्स लेंस, सो इसमें किस मटेरियल का बना होता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है सिलिकॉन। इस डेड सेल के साथ, डेड लेंस के साथ सिलियरी मसल्स अकोमोडेट नहीं कर पाते, वो तो फिक्स है ना, राइट। तो सिलियर मसल इसमें अपना जॉब खो चुके हैं, कोई कनेक्ट ही नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग, तो यहां पर ये अकोमोडेशन की एबिलिटी खत्म हो जाती है आंख के पास। ये नुकसान है हमें सिलिकॉन लेंस के यूज करने का। मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा करके बताया ताकि बच्चे के माइंड में ज्यादा इंफॉर्मेशन जाए और वो पेपर में लिखे तो कुछ लाइनें लिख सके, ठीक है, और उस गुड़िया का आंसर बिल्कुल कंक्रीट वर्ड्स में मिनिमम आंसर सही था, क्या, कि विद द आर्टिफिशियल सिलिकॉन सेल द अकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ द आई लेंस इज लॉस्ट, ऑफ द आई इज लॉस्ट लिखना चाहिए। सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। शाबाश, दिस वाज योर क्वेश्चन 9 के दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय देवाश्री। ओके, तो जो जो डाटा दिया होता है उसको लिखा करते हैं, फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ऐसा ही यूनिट में सॉल्व करना होता है एज पर सजेशन बाय साइंटिस्ट, सो दिस बिकम 0.05 मीटर। ओके, इन द लेबोरेटरी एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, ओके, That means 0.25 meter. अब क्वेश्चन क्या है, वट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड यूजिंग द लेंस, मैग्निफिकेशन आपको निकालना, दिस इज योर थिंग सोल्यूशन। देखो बेटे, सबसे पहले आपको मेरे को यह बताना होगा, अच्छा एक सजेशन सर की तरफ से, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं बड़े मेरे को पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर जब आप बोर्ड पे समझाते हो हमें अच्छा सा समझ आता है, लेकिन जब हमने करना होता है ना तो हमें आइडिया नहीं लगता ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये स्टार्ट नहीं पता लगता, इस तरह से दिक्कत होती है कुछ बच्चों को। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है इस क्वेश्चन का, कि आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमेशा उसी स्टेप से शुरू कर दो जो आस्कड है, बाकी स्टेप खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। देखो कैसे, मैं आपको टेक्निक बताता हूं। अब मेरे को कुछ नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे करना, लेकिन मेरे सर ने बताया हुआ है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला ऐसे होता है, कैसे होता है बेटे, वी अपॉन यू लेंस के केस में, याद रहे अगर ये मिरर के लिए होता फार्मूला तो यहां माइनस लिखता। ओके, जब ये मेरे पास आ गया फार्मूला तब मैं सोचूंगा कि क्या मैं इनमें से कोई चीज पुट कर सकता हूं, तो मेरे को लगता है भी मेरे को तो वी कहीं नहीं दिया, वी तो दिया ही नहीं मेरे को, मेरे को यू भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं। अचानक मेरे माइंड में आता है कि ठीक है मेरे पास ना वी है ना यू है, लेकिन मैं और गहराई से देखूं तो मेरे को उसने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या चीज होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसकी डेफिनेशन याद करो, इट इज द बेस्ट डिस्टेंस एट विच द ह्यूमन आई कैन क्लियरली ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस, सो दिस यू विल डी विल बी यूज्ड एज यू हियर। ओके बेटे, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर मैं 0.25 पुट कर दूं करेक्ट हो जाएगा, नो,
अभी हम इसकी साइन कन्वेंशन यूज करके देखेंगे क्या यूज है। ओके, साइन कन्वेंशन अभी मैंने इसकी लगानी है, इन फार्मूलों में भी साइन कन्वेंशन लगानी होती है। ओके, कोई बच्चा कह रहा है सर हमारे पास तो वी भी नहीं है, तो मैंने कहा भाई अब स्पॉट देखो कोई फार्मूला आपको आता हो। तो एक बच्चा कहता है सर गॉसियन लेंस इक्वेशन हमारे पास जरूर है। सर गुड, गॉसियन लेंस इक्वेशन है। तो गॉसियन लेंस इक्वेशन में फोकल लेंथ हमने ये पुट करा, राइट, यू हमारे पास ये पड़ा, ठीक है, कितना 2.5। अब आपको पता है कि लेंस आंख के बाहर ही होएगा, नहीं ऑब्जेक्ट लेंस आई आई से बाहर ही होएगा, तो हमें लेंस से बाहर को डिस्टेंस मापना, लाइट आंख की तरफ जा रही है तो अपोजिट हो गया। अब यहां पर आपको वी निकालना पड़ेगा, इस वी को निकाल के यहां पुट करना पड़ेगा, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, दो फार्मूले यूज करने पड़े। कौन कौन से बच्चे, एक लीनियर मैग्निफिकेशन का वी अपॉन यू, दूसरा कौन सा गॉसियन लेंस इक्वेशन जो कि ऐसे है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले लेंस के लिए यूज होते हैं, चाहे लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर मिरर होता, मैं कंपैरिजन कर देता हूँ जानबूझकर यहाँ पर ताकि बच्चे को आसानी रहे, अगर मिरर हो चाहे तो मिरर हो बेटे कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो कॉनकेव, दोनों ही केसेस में ये फार्मूला भी चलता है वहां पर, और इसमें यहां पर नेगेटिव लगता है मिरर में, ठीक है, और जो मिरर फार्मूला होता है उधर वहां ये वाला यू के आगे जो नेगेटिव साइन है ये नहीं लगेगा। तो इसलिए इन चारों में मेरी आपको एक सजेशन है कि ये चारों आप नोट कर लो, ये पेपर में ब्लैंक नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है, चारों नोट कर लो एक कंपैरिजन में। शाबाश, मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए। मिरर और लेंस के लिए कहाँ माइनस लगना है कहाँ नहीं लगना, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ठीक है। कोई बच्चा पूछे सर ये जो फार्मूले का नेगेटिव ये अलग है साइन कन्वेंशन का अलग आएगा, तो आंसर है यस, फार्मूले का अपना नेगेटिव साइन है, साइन कन्वेंशन के मुताबिक अगर नेगेटिव आता है तो वो उसका अपना साइन है। चारों सभी बच्चे ये चार फार्मूले की एक विंडो बना लो, गारंटी है टीचर की ये फाइनल पेपर में ब्लैंक नहीं जाएगा, ये छोटा सा चौक है। तो इस तरह से आपने 10th क्वेश्चन की कैलकुलेशंस करके अपना आंसर निकाल लेना है। मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, शाबाश बेटे, मैं चाहता हूं कि 11th क्वेश्चन में 10th F में से इसी का बच्चा इसको आके पढ़े मेरे लिए। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन 10th F में एक बच्चा है इशिका, है बेटे, प्लीज कम ऑन द माइक एंड रीड इट फॉर द होल क्लास, बाकी बच्चे भी अपना पढ़ें पर्सनल लेवल पे। The student suffering from myopia is not able to see distinctly the object placed beyond 5 meters. ओके, 5 मिनट पूछा क्या हुआ बताओ। These two possible reasons due to which this defect of vision may have arisen with the help of ray diagrams explained. बैठो बच्चे, अब ये टीचर ऐसे क्यों करता है, किसी किसी बच्चे को बुला के क्वेश्चन क्यों पढ़ाता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन होता है कि बच्चे का हौसला खुलना चाहिए माइक पे बोलने का। अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर, ठीक है। ये स्टूडेंट है, ये अपनी आंख से, ठीक है, जब तक तो 5 मीटर है ना तब तक ये बच्चा अपना क्लियरली देख पाता है, इससे दूर वाले ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसको ब्लर्ड दिखते हैं, यानी पास वाली चीजें उसको क्लियरली दिखती हैं, दूर वाले नहीं दिखती। इसका मतलब बच्चे के आईज में कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया, ठीक है। उसने पावर भी दे दिए कि नहीं, डिस्टेंस भी दे दिया कहां तक उसको देख रहा है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है, लिस्ट द टू पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइज्ड विद डायग्राम हेल्प विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम तो हम पहले बना चुके हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके रीजन में पहला रीजन आप ये लिखोगे। पहला रीजन क्या लिखोगे? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल अगर बिल्कुल सही होती तो वो क्या होती, अगर बिल्कुल करेक्ट होती तो बिल्कुल स्फेरिकल होती है वो, एग्जैक्ट स्फेरिकल। ये स्फेरिकल आई बॉल डिस्टर्ब हो जाती है बेटे, ये ओवल शेप में आ जाती है, इलोंगेशन में। ठीक है, ओके। जिसकी वजह से जो फोकस, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है रेटिना पर ना बन के उससे पहले ही बन जाए। दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है बेटे? दूसरा इसका रीजन है कि कौन से मसल ऐसे होंगे जो लेंस की मदद करते हैं ताकि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करके इमेज को एग्जैक्ट रेटिना तक पहुंचा सके। तो ऐसे मसल होते हैं सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है बेटे, तो आप लोग ख्याल रखना होता है आईज के लिए, आईज के लिए विटामिन ए लेना होता है जरूर बच्चे, इसका ख्याल रखना होता है, राइट। इसकी कमी से आंख की आई सेट कमजोर हो जाती है। सेकेंड पार्ट आ गया इसका बी पार्ट। बी पार्ट कहता है व्हाई द स्टूडेंट इज अनएबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर फ्रॉम द आईज। तो इसका आप रीजन ये बताओगे, अगर साइंस की लैंग्वेज में पूछना चाहता है, वैसे तो हम बता चुके हैं मायोपिया दूर का ये हो गया रीजन। साइंस की लैंग्वेज में आप पूछोगे कि अगर एक इंसान की आई साइट परफेक्ट होती, परफेक्ट, ठीक है, तब उसका जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब जहां तक वो क्लियरली दिख सके, वो होता है इन्फिनिटी। लेकिन जब उसका आई साइट कमजोर हो चुका, मायोपिया हो गया, तो वही फार पॉइंट श्रिंक करता करता 5 मीटर की दूरी पर रह गया। तो आप बोलोगे जो मायोपिक आई होती है, मायोपिक आई इस पर्टिकुलर एग्जांपल में उसका जो फार पॉइंट था वो श्रिंक होकर कितने पे आ गया? 5 मीटर पे। कोई बच्चा बोलते सर ऐसे नियर पॉइंट भी होता है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट आप बोलते हो, 25 सेंटीमीटर वाला वो नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट से लेकर इतनी बीच में आंख जो है बिल्कुल क्लियरली देखती होनी चाहिए, अगर वो सही है तो। अगर कमजोर है तो नियर पॉइंट फार पॉइंट खींच के नजदीक आ गया। इसकी मान लो इस बंदे की पास वाली नजर सही है तो 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है नियर पॉइंट। लेकिन फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पर था वो श्रिंक होकर कहां पर आ गया? खींच के पास आ गया, तो उसकी इतनी रेंज ही रह जाती है बेचारे की सही देखने की, जबकि नॉर्मल पर्सन इतनी रेंज में क्लियरली देख सकते। ऐसे आप इसका जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे। द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर द विजन एंड हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी मर्जी के बच्चे से पूछना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन ये है कि मायोपिक आई डिफेक्ट को कैसे ठीक किया जाएगा। मैं चाहता हूं इसका आंसर मेरे को 10th D क्लास में मिताली करके बच्चा है, मिताली 10th D, मिताली बेटे प्लीज कम ऑन द माइक इफ यू कैन रिप्लाई हाउ द मायोपिक डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड। मिताली इज देयर एनी स्टूडेंट? बेटे इफ यू आर लिसनिंग प्लीज रेज योर हैंड। ओके शायद बच्चा एबसेंट होएगा। साहिल प्रीत है इसी क्लास में एक बच्चा, साहिल प्रीत प्लीज कम ऑन द माइक।
टीचर इज आस्किंग हाउ विल यू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया. आवाज आ नहीं रही, शायद बच्चे ने माइक पकड़ा हुआ है, आवाज नहीं आ रही क्लियरली. नो प्रॉब्लम, चलो हम बढ़ते हैं आगे बेटे. तो आप ये कहोगे कि जो मायोपिया का डिफेक्ट होता है, अभी अभी हमने एग्जांपल से बताया भी था, उसके लिए हमें बाइकॉनकेव लेंसेज लगाने पड़ते हैं स्पेक्टिकल्स में. जब टीचर ने बता ही दिया था कुछ देर पहले, वो पूछता क्यों है फिर? इसलिए कि चेक करना होता है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं. तो बाइकॉनकेव लेंस यूज करने का, और भी अच्छी बात है कि उस हम इसका पावर तक निकाल के बता सकते हैं उसको, 1/f का फार्मूला लगा के. राइट, डी क्वेश्चन हो गया. इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज 5 मीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. बस ठीक है, इसको आप पुट कर दो. राइट, लेकिन बच्चे एक बात कोई बच्चा बताएगा, फोकल लेंथ को जब हम 5 मीटर पुट करेंगे तो नेगेटिव पुट करेंगे या पॉजिटिव पुट करेंगे? ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर कोई बच्चा जवाब देगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा. शाबाश, इसका नेगेटिव साइन लगाएंगे फोकल लेंथ का या पॉजिटिव? नेगेटिव. नेगेटिव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिप्लाई. बाकी बच्चों को मैं क्लियर करके बताना चाहूंगा कैसे. देखो बेटे ध्यान से सुनो, हमारा लेंस था इस तरह से, ठीक है, स्पेक्टिकल वाला लेंस. अब सभी बच्चों को यह पता है कि इसके ऊपर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब थ्रो करते हैं तो लेंस की नेचर होती है डाइवर्जिंग, और मैंने ये आपको बताया भी था क्यों डाइवर्जिंग होती है, शायद किसी दूसरे लेक्चर में. डाइवर्जिंग होगी, गुड. तो यहां पर जो पर्सन खड़ा है या यहाँ जो पर्सन खड़ा है, उसकी आंख तो एक ही चीज जानती है, कौन सी? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. उसको नहीं पता कि लाइट को यहां से बेंड हो गया. ये पर्सन की आंख, वो तो सोचती है लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, वो यहां से सोचेगी. ये पर्सन की आईज भी क्या सोचे कि लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. तो ये जो पॉइंट है ना, यहां से वो सोचते हैं कि यहां से लाइट आएगी. राइट, सो लाइट यहां से आती दिखेगी फोकस पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर इधर है. अब मैं बताऊं आपको, लाइट तो जा रही थी उधर को दिस डायरेक्शन में, और हमने फोकल लेंथ मापनी है. फोकल लेंथ कौन सी होती है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस की तरफ. और साइन कन्वेंशन ये कहते हैं कि आप फोकल लेंथ को अगर एफ ओ लिखोगे वो गलत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सारे ऑप्टिकल सेंटर से मापने हैं, तो फोकल लेंथ को ओ एफ लिखना पड़ेगा बच्चे. ये सही है, ओ एफ लिखने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लाइट. लाइट इधर को और हमें फोकल लेंथ अपोजिट. और टीचर ने साइन कन्वेंशन में समझा ही रखा है कि जब भी डिस्टेंस फोकल लेंथ डिस्टेंस जो है लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट मापना होता है तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए ये फोकल लेंथ नेगेटिव हमने पुट करा, जो कि अभी अभी एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया था. तो अब P इज इक्वल टू 1/f, अगले स्टेप में 1/-, कितना था, -5 पुट करेंगे बच्चे, मीटर्स में वो ऑलरेडी है, तो -0.2 डायोप्टर. डायोप्टर लिखना है यूनिट, अदरवाइज बच्चे, एक बच्चे ने गलती कर दी थी, उसने पावर की यूनिट वाट लिख दी थी. वाट, वाट यूनिट भी होती है पावर की, लेकिन ऑप्टिक्स के चैप्टर को छोड़कर बाकी जगह पर होती है. ऑप्टिक्स के चैप्टर को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर्स पे पावर की यूनिट वाट होती है, ऑप्टिक्स में डायोप्टर. ठीक है बेटे, लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन. शाबाश, 12th क्वेश्चन में 10th ई में मोहित करके बच्चा है, प्यारा सा कोई मोहित, हाउ गुड स्वीट नेम मोहित, 10th ई. शाबाश, टीम में मोहित बच्चा, प्लीज कम ऑन द माइक. एब्सेंट, ओके. इसी क्लास में एक गुड़िया है नैना, नैना नैना प्लीज कम ऑन द माइक. अगेन एब्सेंट. इसी में एक और बच्चा बताया गया, अच्छा, जशन प्रीत, जशन प्रीत.
Jashanpreet, please come on the mic and read the 12th question for your class. And voice should be loud. Please observe that the power of an eye to see nearby objects as well as the power of objects diminish with age. Good, bete. Thank you. बच्चा ये कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिश विद एज. देसी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या हम बोलेंगे या अपनी लैंग्वेज में कहना चाहिए बेटे, आई शुड नॉट यूज द वर्ड देसी. अपनी हिंदी लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी इंसान की जो आंख है ना तो वो पास की चीजें क्लियरली देख पाती है ना ही दूर की चीजें क्लियरली देख पाती है. उस इंसान की एज थोड़ी ज्यादा हो चुकी है. तो गिव द रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट. एक्चुअली वो टेक्निकल वर्ड हमसे पूछना चाहता है किस डिफेक्ट की वजह से ये कमी पेशी आई आंख में. क्या बेटे आप ही बता पाओगे इसका आंसर? अभी मैंने जशनप्रीत से पूछा था. जशन, विल यू बी एबल टू रिप्लाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन? बेटे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं? नो. फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं इंसान को? नो. दोनों के नॉट क्लियरली दिखते हैं. तो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है ये वाला? नहीं बता. हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो. बिल्कुल सही, प्रेस बायोपिया. बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रेस बायोपिया इसका आंसर है. और सिलियरी मसल्स एज की वजह से कमजोर हो जाते हैं, ना तो वो लेंस को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे शार्पली फोकस कर पाते हैं ना ही फार ऑब्जेक्ट्स पे क्लियरली फोकस. बैठो, सिट डाउन. सो इसके लिए आपकी रेमेडी याद है, नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू बी अराइज इन द आई इन द सच. नाम तो हमने बता दिया, ठीक है. और रीजन क्या बताया इसमें? सिलियरी मसल का कमजोर हो जाना. सिलियरी मसल्स काफी कमजोर हो जाते. सिलियरी मसल्स गेट टर्न्ड ड्यू टू एजिंग इफेक्ट, ठीक है, एजिंग इफेक्ट. जितने भी उम्र बढ़ने के साथ जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले जुरियां आती हैं बच्चे, ठीक है. तो ये भी सॉफ्ट मसल्स में काउंट होते हैं, सिलियरी मसल्स. अब वो ये कहता है ड्रा द लेबल डायग्राम और लेंस को जो यूज करते हैं. देखो ऐसे, इसके लिए रेमेडी जानते हो क्या होएगी बेटे? रेमेडी क्या होएगी, इसका इलाज क्या होएगा? क्या कोई बच्चा मेरे को 10th F में से बता पाएगा? 10th F, एनी स्टूडेंट? Excuse me sir. The next lecture has been started. अच्छा, पर इसको फटाफट कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट. सो इसमें रेमेडी है, बता देते हैं लास्ट में. ये आपको बाईफोकल लेंसेज यूज करने पड़ते हैं, बाईफोकल लेंसेज. इसमें क्या होता है, ऊपर वाले ये स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं. आपने जरूर किसी के स्पेक्टिकल्स में इस तरह की लाइन देखी होगी. कैसी? ऐसे लाइन सी लगी होती है बेटे, राइट. तो इसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, दूर की चीजें देखने के लिए. लोअर पार्ट होता है कन्वेक्स, पास की चीजें देखने के लिए, दोनों साइड पे. सो ये आपस में लेंस मर्ज करे होते हैं, बाईफोकल लेंस. ऐसे शार्प सी लाइन दिख रही होगी किसी के चश्मे में, किसी बुजुर्ग के चश्मे में देखना आपको दिखेगा, राइट. और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे, ध्यान से सुन लो, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर हम अजर्शन रीजनिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे. कभी कभी ऐसे भी दिखती है, ऐसे लूप से बने होते हैं ऐसे. ये भी एडवांस्ड वर्जन है, होता बाईफोकल लेंस. हेलो. तो बेटे अजर्शन रीजनिंग आप खुद भी करके आओगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में. आपने क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक करके आने हैं, ओके. आज का लेक्चर समझ आया अपने प्यारे बच्चों को? प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड.
प्लीज गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बोथ हैंड्स थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच Thank you.